नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और जिस तरीके से लगातार सुबह से ही कयासों का बाजार गर्म था, वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अब कहीं ना कहीं अब से कुछ ही देर में सारी चीज़ों पर विराम लगेगा। और आपको बता दें कि सत्यानंद भोक्ता मंत्री आरजेडी के जो हैं वो इस वक्त रायपुर निकल चुके थे और अब से कुछ ही देर में वो रायपुर एयरपोर्ट लैंड करेंगे। और आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री हैं जो कांग्रेस के हैं, उन सभी को लेकर वो वापस रांची पहुंचेंगे। चूंकि आपको बता दें कि कल होने वाले कैबिनेट को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी मंत्रियों को यहां पर वापस लेकर आने वाले थे, मगर यहां पर सत्यानंद भोक्ता और यहां पर प्रदीप यादव जो है वो रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। मेफेयर रिजॉर्ट में सभी विधायक जो हैं वो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल 31 विधायक जो है वो मेफेयर रिजॉर्ट पहुंचे थे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब सभी मंत्री जो हैं, कैबिनेट मंत्री जो हैं, वो वापस आ रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम और बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर राव, ये सभी वापस आने वाले हैं। सत्यानंद भोक्ता इन चारों मंत्रियों को लेकर रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे, तो वो चीज़ें भी हम आपको स्पष्ट रूप से दिखाएंगे कि सभी मंत्री जो हैं वापस आ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कैबिनेट के बाद ये सभी मंत्री जो हैं वो एक बार फिर से मेफेयर रिजॉर्ट के लिए रवाना हो सकते हैं रायपुर। तो अब देखना यह होगा कि आखिर कल कैबिनेट के बाद क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं और सत्यानंद भोक्ता चारों ही मंत्रियों को वापस लेकर रांची एयरपोर्ट कुछ ही देर में पहुंचेंगे। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। Thank you.